दी है भगवान का नाम संकीर्तन कीर्तन इत्यादि ओम श्री ओम जाभरण ओम हिरण्यगर्भाग्रे भूत सजापति आसीदं देखो हमारे व्यास जी इतने अच्छे हैं कि वो कहते हैं दक्षिणा मुझे दिखाइए। जब जहां भी जाते हैं कहते दक्षिणा नहीं दो, वस्त्र दे दो, फूल दे दो, फल दे दो, दक्षिणा नहीं लूंगा, क्योंकि माता जी का आशीर्वाद है दक्षिणा दे रहे। हम ना दक्षिणा दे सकते, एक अक्षर की दक्षिणा नहीं दे सकते है, क्योंकि जितने अक्षर इन्होंने सुनाए ना, ये एक अक्षर की हम दक्षिणा दे सकते। ये अमृत की वाणी की है, इन्होंने अमृत वर्षायन के वाणी द्वारा, तो इन्होंने हमें इस भागवत कथा द्वारा सबको बिहार कर दिया। अब दे दीजिए फल महाराज जी को, माता जी की जोड़ी में फल डाले महाराज जी। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ सारिय शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गोविंद जी यहां से पात्र कहां चला गया? जल पात्र थोड़ा छिटकाव कर दे माता जी के ऊपर, माता जी के हाथ पर ही शब्द ये जितने जग आगे पर खड़े हुआ है। ओम जो हो शांति रंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पत शांति विश्व देवा शांति स्वामी स्वामी कृपा करो हर भरिए जय रामे। ये जो कथाएं पढ़े कम समय में इसका आयोजन का प्रोग्राम बना और अधिक लोगों को हम सूचित भी नहीं कर सके, शहर के अंदर हम किसी को ज्यादा निमंत्रण नहीं दे सके। ये पहली कथा है जिसमें हमने कोई एक पोस्टर और एक शायद कोई फ्लेक्स भी नहीं बनवाया, क्योंकि इतनी जल्दी सारा प्रोग्राम हो गया कि बिल्कुल कोई समय नहीं मिला। इसके लिए सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ अपने व्यासी महाराज जी का, जिन्होंने अपने सारे प्रोग्राम छोड़ के, इनके जो प्रोग्राम थे सारे छोड़ के इन्होंने समय हमको दिया और बड़ी अपनी मधुर वाणी से डोगरी भाषा में बड़ी सरलता के साथ हम सब लोगों को निहाल किया। मुझे तो बहुत आनंद आया इस कथा से, आपको भी जरूर आया होगा, अगर मुझे आ सकता है तो आपको भी जरूर आया होगा। तो ये मैं प्रार्थना करूंगा व्यासी से, व्यासी महाराज हमारा कार्यक्रम ऐसे ही बनता है अचानक से, तो आपकी सूची जो है एक साल की बन जाती है, हमारी आज क्या है कल क्या है हमको कोई पता नहीं होता। हमको जैसे माता रानी आदेश करती है सुबह उठ के ये कार्य करना है, हम उसी कार्य पे चल पड़ते हैं। तो इसलिए आगे भी हमको ऐसे ही समय देते रहना, जब कभी कार्यक्रम की ऐसी रूपरेखा माता जी बनाए, मां का इच्छा करे करने की कथा सुनने की, तो आपसे यही नम्र निवेदन है कुंभों में या हमारे तीर्थ स्थलों में, तो आपको जरूर जरूर हमारे ये समय निकालना है। इसके साथ में अपने सारी कथा का श्रेय केवल दो व्यक्तियों को है जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया। पहले हमारे ये गोंडू पंडित जी हैं, गोविंद शास्त्री जी महाराज, जो माता सुनीतानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज यहाँ पर शक्ति संस्थान के अंदर श्रीमद् भागवत कथा का पिछले एक हफ्ते से आयोजन चल रहा है। आज ये जो कथा जहाँ पर विराम हो रही है और उसके उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा जहाँ पर किया जा रहा है, कथा के माध्यम से हमेशा माता जी इस इलाके का और पूरे विश्व का कल्याण की भावना रखती है और हम सब लोगों का कल्याण करने के लिए ये कथा का आयोजन किया गया है। मैं आप सभी को और जो हमारे कथावाचक हैं जो कुलदीप शास्त्री जी, उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर
हम सुंदरबनी वासियों को निहाल किया। इसके साथ साथ मैं एक और आपको सूचना दूंगा कि कल श्री राधा कृष्ण मंदिर के हाल में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन दिन को दो बजे से लेकर 4 बजे तक किया जा 6 बजे तक किया जा रहा है। उसके कथावाचक देवेंद्र पोखरियाल जी जो देहरादून से है वो आ रहे हैं। तो सभी भक्त प्रेमियों से, सभी सुंदरबनी निवासियों से, आस पास के जितने भी इलाके हैं उनसे ये निवेदन है कि कल श्री राधा कृष्ण मंदिर के हाल में पहुंचे और कथा श्रीमद भागवत कथा का लाभ उठाएं। जय माता दी। जय